तो दोस्तों फाइनली कर चुका है Redmi Note 11 सीरीज चाइना में कल ग्लोबली से लॉन्च अप्रॉक्स 5 बजे के आसपास। तो इस सीरीज में आपको टोटल 3 डिवाइस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वही सेम दोस्तों Redmi Note 11 एंड सेकेंड वन Redmi Note 11 Pro एंड लास्ट एंड मैक्स Redmi Note 11 Pro Plus Note Max। जी दोस्तों आपने सही सुना, अब आपको Pro Max की जगह Pro Plus आगे के सीरीज में कंटिन्यूसली देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या कुछ स्पेक्स वगैरह देखने को मिलने वाला है हमें इस सीरीज में Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro एंड Redmi Note 11 Pro Plus में। तो चलिए करते हैं फटाक से स्टार्ट एंड देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस सीरीज में Redmi Note 11 सीरीज में आपको टोटल 3 डिवाइस देखने को मिलने वाली है। पर दोस्तों यहां पे जो आपको Redmi Note 11 Pro Plus में आपको लगभग बिल्कुल ही सेम स्पेक्स देखने को मिलने वाला है, बट जो यहां पे Redmi Note 11 है उसकी थोड़ी स्पेक्स अलग है। चलिए पहले Redmi Note 11 Plus 11 Pro Plus की स्पेक्स को देख लेते हैं। दोनों ही फोन में आपको 6.62 इंचेस की FHD प्लस AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेंगे एंड साथ ही दोस्तों आपको 120 हर्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 320 हर्ज का स्क्रीन सैम्पलिंग रेट देखने को मिलने वाली है। अब यहां पावर की बात कर ले दोस्तों, तो आपको दोनों ही फोन में आपको दोस्तों MediaTek Dimensity 920 देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों अगर Qualcomm से आप कंपेयर करो तो आपको Qualcomm की 720G की प्रोसेसर के जैसा देखने को मिलने वाली है। तो ऑफकोर्स ये इसका हैवी ड्यूटी और अच्छा प्रोसेसर होने वाली है, बट दोस्तों MediaTek Dimensity 920 के लिए मुझे एक अच्छी बात लगी कि दोस्तों यहाँ पे आपको 6nm पे बेस्ड फैब्रिकेशन देखने को मिलने वाली है। तो एंड ऑफकोर्स ये दोस्तों आपको हैवी ड्यूटी और पावर कंजम्पशन होने वाली है। तो अब दोस्तों कर ले वेरिएंट वगैरह की बात, तो यहाँ पे आपको टोटल से यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट दोस्तों आपको 6GB 128GB एंड सेकेंड 8GB 128GB एंड लास्ट दोस्तों 8GB 256GB। दोस्तों बात कर लो इसकी प्राइसिंग की, तो दोस्तों ये जो Redmi Note 11 Pro है उसकी प्राइसिंग बेस वेरिएंट की प्राइसिंग की बात कर लो तो वो आपको अप्रॉक्स 15,099 में देखने को मिलेगी। अगर इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग बताओ तो वो अप्रॉक्स से आपको 18,000 से लेके 18,500 में देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड की बात करो जो इसकी मैक्स वेरिएंट है Redmi Note 9 Pro Plus की, उसकी बेस वेरिएंट दोस्तों आपको 18,099 में देखने मिला। उसका इंडियन करेंसी के हिसाब से बता तो वो आपको अप्रॉक्स से 22,000 रुपया देखने को मिल सकती है। कुछ और स्पेक्स की बात करूं जो कि दोस्तों इस तीनों ही डिवाइस में अलग है, बट दोस्तों सब अपनी अपनी जगह पे बहुत ही मस्त है। तो फर्स्ट दोस्तों आपको 11 नोट 11 में जो आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिले वो आपको 5000mAh देखने को मिलेगा, साथ ही आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड Redmi Note 9 Pro की बात करो तो वहाँ पे आपको 5160mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, साथ ही आपको 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड लास्ट प्रो वेरिएंट की बात करूँ प्रो प्लस वेरिएंट की, तो वहाँ पे आपको दोस्तों 500mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज दोस्तों 120W की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। Redmi क्लेम करते हैं कि इसका फोन 0 to 100% ओनली 15 मिनट में हो जाती है, तो वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें इसके फ़ोन के कैमरे की तरफ, तो दोनों में दोस्तों आपको सेमी कैमरा मॉडल देखने को मिला है, दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा मॉडल देखने को मिल रहा है। जो प्राइमरी कैमरा दोस्तों आपको यहाँ पे 108 मेगापिक्सल एंड दोस्तों 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड लास्ट 2 मेगापिक्सल का आपको टेली माइक्रो लेंस देखने को मिल रहा है दोनों ही डिवाइस में। साथ ही दोस्तों एक बहुत अच्छी बात, जो वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो ये मोबाइल बेस्ट होने वाले दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको डबल OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने में या फोटो खींचने में, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगी। एंड दोस्तों सेम ही दोस्तों आपको जिस तरह से आपको सेम कैमरा बैक साइड में देखने को मिला उसी तरह से दोस्तों सेम ही आपको दोस्तों 16 मेगापिक्सल का आपको दोनों ही डिवाइस में सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाली है। आगे दोस्तों यहाँ पे बात कर लो कनेक्टिविटी एंड OS के बारे में, तो यहाँ पे आपको दोस्तों Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.2 के सपोर्ट के साथ देखने को मिल रहा है। एंड OS एंड बात करें OS की तो दोस्तों यहाँ पे सेम यूजुअल हर बार की तरह आपको MIUI 12.5 एंड्रॉइड बेस्ड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड इसकी डिजाइंस एंड पोर्ट्स की बारे में बात करो तो यहाँ पे आपको दोनों जो अपर वेरियंट है दोस्तों
11 प्रो एंड प्रो प्लस, इसमें दोनों में आपको बैक देखने को मिल रहा है एंड साथ ही आपको साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों कनेक्टिविटी की तो बात हो गई, एंड पोर्ट्स वगैरह की बात करूँ तो दोस्तों थैंकफुली यहाँ पे रेडमी वालों ने हमसे हमारा 3.5 mm की जैक नहीं छीनी है। इस सभी फ़ोन में आपको तीनों ही वेरिएंट में आपको ये 3.5 mm जैक देखने को मिल रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो स्पीकर ग्रिल एंड एक टाइप सी चार्जर पोर्ट एंड दोस्तों एयर ब्लास्टर नॉइज कैंसलेशन इसी तरह के आपको कुछ पोर्ट्स वगैरह इसमें देखने को मिल रही है सभी फ़ोन में। अब नोट 11 की तरफ देख लो तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की LCD डिस्प्ले देखने को मिला है विथ 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट। एंड कैमरा आपको यहाँ पे आपको डबल कैमरा सेटअप देखने को मिला है। फर्स्ट दोस्तों आपको 50 MP का जो मेन सेंसर है एंड सेकंड आपको दोस्तों 8 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। एंड सेम बाकी फ़ोनों की तरह IP53 से रेटेड ये फ़ोन आपको देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर तो बाकी सारा चीज़ सभी डिवाइस की तरह सेम है, बस फर्क है यहाँ पे आपको प्राइस का। यहाँ पे जो आपको बेस वेरिएंट 4GB 128GB वो आपको अप्रॉक्स से 11,099 सियान में देखने को मिला। अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से बताओ तो वो आपको अप्रॉक्स से 12,000 में आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। तो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट कर देना कि दोस्तों आप ये फ़ोन बाय कर रहे हो या फिर नहीं। अगर प्लानिंग कर भी रहो तो फिर भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।